बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गले का बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिजाइन, जिसका मटेरियल बहुत सिंपल है मगर गला बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है। आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अब आप महंगे महंगे टेलर्स को भूल जाएंगे, महंगी महंगी सिलाइयों को भूल जाएंगे। मैं आपको इतना आसान करके गला बनाना सिखाऊंगी, स्टिचिंग सिखाऊंगी कि आप घर बैठे अपने ड्रेसेस खुद स्टिच करेंगे, टेलर्स को भूल जाएंगे। ठीक है जी, मेरे मटेरियल में जो इस्तेमाल होगा वो होगी ये लेस। मैंने लेस ली है, एक जो नॉर्मल लेस होती है वो वाली, आप चौड़ी या इससे भी पतली लेस ले सकते हैं। और इसमें इस्तेमाल होगा इन पल मोती का। मैंने दो साइजेस के पल मोती लिए हुए हैं, आपके पास जो भी साइज होगा चलेगा। अब आ जाते हैं मेन जो चीज है हमारे डिजाइन के अंदर, वो होंगी ये टुकड़ियां। मैंने इस तरह की टुकड़ियां कट करके रखी हुई है, जिसकी लंबाई है 2.5 इंच और इसकी चौड़ाई भी है 2.5 इंच। करना क्या है इस डिजाइन के अंदर, इस टुकड़ी से और इस पल मोती से एक ब्यूटीफुल सा डिजाइन तैयार करेंगे, वो अपने गले के अंदर ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम इन सारी चीजों को कर देंगे साइड। सबसे पहले कट करेंगे अपना गला, जिसके ऊपर हमारी लेस और हमारी ये टुकड़ियों का डिजाइन ऐड होगा। तो हमने इनको संभाल के रखना है, और मैंने काफी ज्यादा जो टुकड़ियां हैं वो कट करके रख ली हैं। इनसे हम ट्राइंगल भी बनाते हैं, इससे हम लोग जो हमारे आजकल कटवर का डिजाइन बहुत ज्यादा इन है वो भी बनता है। आपको मैंने साइजेस बता दिया है। अब आ जाते हैं बुकरम की तरफ कि हमें कितना चौड़ा बुकरम लेना है। तो मैंने बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो है 2 इंच। अगर मैं इसको खोल के साइज करूंगी तो ये बन जाएगा 4 इंच। और इसकी लंबाई एक बार साइज कर लेते हैं, इसकी लंबाई मैंने ली है 14.5 इंच। अब इन सारी चीजों को करेंगे साइड और निशान लगाएंगे अपने बुकरम के ऊपर। तो पहला निशान मैं इस पे लगाऊंगी 1/2 इंच का, और दूसरा निशान में इसके वी का लगाऊंगी, वो होगा 3.5 इंच। अब हमने क्या करना है, हमने बाहर की साइड पे अपनी पट्टी को पलटना है। तो पहले हम इसका वी का निशान लगाएंगे। अब यहां से हमने निशान लगाना है 1/4 इंच पे। आप 1 इंच भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ये होगा आपकी च्वाइस के ऊपर। पूरी बुकरम की पट्टी के ऊपर मैं इस तरह निशान लगा लूंगी। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। मैं नीचे से इसकी नोक बनाऊंगी, आप स्क्वायर भी कर सकते हैं या गोल भी कर सकते हैं। अब इसको कट करेंगे। तो बुकरम की पट्टी कट हो गई है, अब इसे चिपकाएंगे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। जो मैं कपड़े पे चिपकाऊंगी वो शर्ट का ही होगा, आप सिंपल कपड़ा भी ले सकते हैं, या आप सिंपल कपड़ा लेके इसके बीच में एंकर के धागे से सिलाइयां लगा लें वो भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी च्वाइस होगी। मजीद जितना डिजाइन को खूबसूरत करना चाहें कर सकते हैं। तो पट्टी मैंने तैयार कर ली है, यह है सिंपल पट्टी। मैंने इसके बीच में क्रिस बना दी है प्रेस की मदद से। मैंने इसे फैब्रिक ग्लू की मदद से नीट किया है। आपके पास ग्लू स्टिक हो या अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपने निडल के अंदर धागा डालना है और उसको बड़े बड़े टाकों से कच्चा करना है, तो आपका यही वाला काम होगा। अब आ जाते हैं अपनी शर्ट की तरफ। डिज़ाइन बनाने से पहले हम कट करेंगे अपना गला। गला इसलिए कट करेंगे क्योंकि डिज़ाइन बनने के बाद अगर हमारा डिज़ाइन ऊपर या नीचे हो तो हमारा जो गला है वो बिल्कुल आए परफेक्ट। अब हमने करना क्या है, हमने लेना है ये बुकरम का तैयारशुदा पीस। पहला निशान हम गले का लगा लेंगे कि हमें गले की चौड़ाई और लंबाई कितनी इंच चाहिए। तो एक निशान मैं ऊपर से 4 इंच का लगाऊंगी, दूसरा निशान भी 4 इंच का लगाऊंगी। इन निशानों को कर देंगे सीधा। सीधा करने से पहले एक निशान मैं इसका और लगाऊंगी 3.5 इंच पर। अब ये बन गया हमारा बॉक्स। अब बॉक्स को हम देंगे शेप। तो शेप मैंने दे दी है। अब इस वी पट्टी को इस तरह रखेंगे बीच में। अब ऊपर से निशान लगाएंगे कि हमें गले की जो डीपनेस है वो कितनी रखनी है।
मैं निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच पर, ये नॉर्मल साइज है। अब यहीं से हम अपनी पट्टी को रखेंगे क्योंकि हमने जिसका वी कट किया था इसी तरीके से किया था और ये बिल्कुल ठीक आया है। थोड़ा सा कपड़ा ऊपर चला जाएगा और ये इस तरह हमारा गला कट हो जाएगा। अब इस पट्टी को हम हटा देंगे और इस गले को कट करेंगे। तो गला मैंने कट कर दिया है, अब करना क्या है, हमने इस कपड़े को संभाल के रखना है। आगे जाके जब हम अपना बुकरम पे गला कट करेंगे तो ये वाला कपड़ा हमारे यूज में आएगा, तो फिलहाल मैं इसे बहुत ही संभाल के रखूंगी, आगे चल के ये मेरे इस्तेमाल में आने वाला है। लेस को रखेंगे नीचे और बुकरम वाली पट्टी को रखेंगे ऊपर, सिलाई लगाकर इसे आपस में अटैच कर देंगे। जो लोग नए हैं आप पहले फैब्रिक ग्लू से लेस को अटैच कर लें, उसके बाद फाइनल सिलाई लगा लें। मेरा काम प्रोफेशनल और रोजमर्रा का है इसीलिए मैं डायरेक्ट सिलाई लगाऊंगी। और इस पट्टी के ऊपर लेस लगाते वक्त आपने अपनी लेस को खींचना नहीं है, अगर आपने अपनी लेस को इस तरह खींच दिया तो इस पूरी पट्टी के अंदर चुनटें आ जाएंगी। तो पट्टी के ऊपर मैंने लेस लगा दी है, अब इस पट्टी को अटैच करेंगे अपनी शर्ट के ऊपर। अब हमने अपनी शर्ट को रखना है उल्टा और ये जो बुकरम वाला पीस है इसको हम इसके बीच में इस तरह सेटिंग से रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बाहर की साइड निकालेंगे। अब इस पट्टी को पलटेंगे और इसे करेंगे प्रेस। जब पट्टी हम पलटेंगे तो ये पट्टी हमारी सीधे साइड पर आ जाएगी। अभी सिर्फ हम अपनी पट्टी को प्रेस कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं। अभी ये जो हमारा मेन बीच में डिजाइन है उसे हमने अभी फिलहाल होल्ड किया हुआ है, वो भी आपको सिखाऊंगी, डिटेल के साथ बताऊंगी। उस डिजाइन के फायदे ये होंगे कि वो वाला डिजाइन आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आप शेरवानी कॉलर बनाना चाहें, चाइनीज कॉलर बनाना चाहें, खुले में गला पहनना पसंद करते हैं, जो आपकी अपनी च्वाइस होगी वो डिजाइन आप उसके अंदर सेट करेंगे। मेरा काम है आपको सिखाना, आपको बताना डिटेल के साथ। मैं ये वाला गला, मैं आपको वो डिज़ाइन खुले में इसीलिए सिखा रही हूँ, मुझे कहा गया था कि आप ही हमें खुले में सिखाएं डिज़ाइन, तो इसीलिए मैं खुले में सिखा रही हूँ। अगर आप लोग बंद में सीखना चाहेंगे मेरे अंदाज में तो मैं आपको बंद गलों में भी सिखा दूंगी। अब रेडी कर लेते हैं अपना गला। गला रेडी करने के लिए मैंने बुकरम का पीस ले लिया है, मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने रखी है 6 इंच। अब जो कपड़ा हमने स्टार्ट में संभाल के रखा था इस कपड़े को हमने इसके बीच में सेट करना है। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में मैं यही वाला मेथड बार बार रिपीट कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप ही मज़ीद डिटेल। तो डियर ये जो तरीका है ना, ये है बिगनर्स के लिए। वैसे तो तरीके काफ़ी सारे हैं मगर वो जो तरीके हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हैं, आप लोग इतनी जल्दी समझ नहीं सकोगे। तो जो लोग नए हैं आप सबके लिए मैं ये वाला तरीका बार बार रिपीट करती हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको जहन नशीन हो जाए और आप लोग सीख लें। बस इतना सा हमारा काम था। अब इस कपड़े को कर देंगे वेस्ट। अब जहाँ जहाँ मैंने ड्रॉ की है इसी पर हम कर देंगे कटिंग। तो मैंने गले को बीच में से अलग कर दिया है, अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे।
तो ऊपर से गला मैंने तुरपाई कर लिया है। अब निशान लगाएंगे कि हमें गला कितने इंच पे बंद करना है। मैं निशान लगाऊंगी इसका 8 इंच पर। आप अपने साइज के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो बेशेप भी बना सकते हैं, वी के बजाय आप सीधा ही से कट कर दें। तो निशान लग गया है, अभी फिलहाल इसे साइड करेंगे। मैंने तैयार की है बटन टेक पट्टी। मैं आपको बटन टेक पट्टी की चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1 इंच और इसकी लंबाई मैंने रखी है 13 इंच। अच्छा, ये पट्टी मैंने बुकरम पर तैयार की है क्योंकि इसके अंदर हमारा डिजाइन सेट होगा, तो आपने बुकरम पर ही तैयार करनी है, कपड़े पर नहीं करनी। अगर आप इसे कपड़े पर तैयार करोगे तो आपका जो बीच में डिजाइन होगा वो नरम पड़ जाएगा। ठीक है जी, ये अब हम कर देंगे साइड और आ जाते हैं अपने डिजाइन के ऊपर। जो मेन डिजाइन इम्पोर्टेंट है, जो हमारे डिजाइन के अंदर मजीद 4 चांद लगा देगा। तो मैंने 2 साइज़ के पल मोती लिए हैं, जो अच्छा लगेगा मैं वही वाला इसके बीच में सेट कर लूंगी। वैसे मैंने माइंड सेट किया है कि मैं इसके अंदर ये छोटा वाला पल मोती लगाऊं। अब करना कुछ इस तरह होगा, हमने लेनी है ये टुकड़ी। टुकड़ी हम इस तरह लेंगे, ये है इसका उल्टा साइड और ये है इसका सीधा साइड। अपने थंब को गीला करेंगे और इस तरह इसको हमने करके अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह। ठीक है, ये करते जाएंगे, जब ये आधे में आएगा तो हम इसको रोक देंगे। रोक के हमने इसको करना है इस तरह गोल। जब हम इसको गोल कर देंगे तो इसके बीच में हम रखेंगे अपना पल मोती। पल मोती रखेंगे और मैं निडल के अंदर 4 ते का धागा डाल दिया है और मैं बहुत ही, अरे ये तो नाराजी हो गया, अब बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें से अपनी निडल को गुजारेंगे और फिर अगेन दोबारा थोड़ा सा गैप देकर निडल वापस ले आएंगे। ये हो गया हमारा मोती पक्का। अब हमने क्या करना है, इसी धागे को इस यहां पर थोड़ा सा लपेटना है, पक्का करना है। पक्का करने के बाद इसको हमने इस तरह 2-3 नॉट लगानी है। अब अगेन हमने क्या करना है, अपना लेना है ये टुकड़ी, इसको इस तरह हमने अंदर की साइड पे फोल्ड करना है। जितना बारीक फोल्ड करेंगे उतनी ही सफाई आएगी। जब ये आधे में आएगा तो हम इसको रोक देंगे। हमने इसको फिर इस तरह राउंड करना है अपनी टुकड़ी को। इसके बीच में हमने रखना है पल मोती। अब फिर हमने अपनी निडल इसमें से गुजारनी है। अगेन अपनी निडल को वापस लेकर आएंगे। अपने मोती को ये जो कपड़ा है ये हम पहना देंगे, जिस तरह हम डोरी लुक लगाते हैं, बट ये डोरी लुक नहीं है, ये चेंज डिजाइन है। फिर हमने इसको एक बार इस तरह घुमा देना है। ठीक है, खूब पक्का कर लेंगे, उसके बाद इस धागे को कट कर देंगे। मैं सारी टुकड़ियां तैयार कर लूंगी पल मोती के साथ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सारी पोटलियां मैंने तैयार कर ली हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। अब साइज लगा लेते हैं अपने गले के बीच में कि मुझे कितने कितने इंच पे इसको सेट करना है। तो मैं निशान लगा रही हूँ 1.5-1.5 इंच के ऊपर। आप इसको ज्यादा करीब या दूर भी कर सकते हैं, मगर इसमें गैप होगा तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। इतना ज्यादा करीब करीब नहीं लगाने आपने। मैं इसमें 1.5-1.5 इंच का गैप दे रही हूँ। तो यहाँ पर हमने फुल बूट हटाना है, हाफ बूट लगाना है, क्योंकि हमारा जो डिजाइन है ये फुल बूट से नहीं कवर होगा, इसके लिए हमें हाफ बूट लगाना होगा। तो अच्छा देखें, ये कुछ इस तरह की लग रही है जिससे हम बचपन में गुड़ियां बनाते थे, छोटी छोटी सी, उन्हें हम इस तरह फ्रॉक्स पहनाते थे, और ये वही छोटी छोटी सी गुड़ियां लग रही हैं मुझे। तो हमने क्या करना है, इतनी फिनिशिंग के साथ इसको छुपाना है, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बिल्कुल छुप जाए, सिर्फ पल मोती और इसके ऊपर लुक्स आ रहा है, हमने सिर्फ वो शो करना है और पल मोती शो करना है, बाकी पूरी गुड़िया को हम इस तरह छुपा देंगे। आप सबने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि किस किस को ये छोटी छोटी सी गुड़ियां लग रही हैं। मुझे तो ये लग रही हैं, आप सबने मुझे जरूर बताना है।
तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइन हो गया है कंप्लीट और इसकी बहुत ही सूफियानी सी लुक है आपके सामने। कितना ब्यूटीफुल और कितना नफीस लग रहा है ये बनकर। मैंने इसे नीचे से नोक बनाई है। ये सेम वही डिजाइन है जिस तरह हम डोरी लुक बनाते हैं, उसके बीच में पल मोती लगाते हैं, मगर इसके अंदर मैंने बहुत चेंज किया है, आप सबको दिखाया है, सिखाया है। इसके फायदे ये हैं कि आप ये छोटी छोटी सी, जो मैं तो गुड़िया ही कहूंगी इनको, या आप लोग पल मोती के साथ डोरी लुक भी कह सकते हैं, काफी सारे तैयार कर लें। अगर आप लोग तलपट वाला गला बनाते हैं तो उसके अंदर गैप बाय गैप इस तरह लगाते जाएं। अगर आप लोग शेरवानी गला बनाते हैं, मैंने गोल गले का हाला कट किया है, आप ऊपर से इसको शेरवानी कॉलर कट कर लें, उसमें ये लगा दें, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल न्यू डिजाइन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप सबने बताना है आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज का डिजाइन कैसा लगा और आपने मुझसे क्या सीखा। आई होप बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश ही यही होती है कि मेरी हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आप सबको जरूर सिखाऊं और आप लोग सीख भी रहे हैं। आप सबके कमेंट्स मुझे बताते हैं, आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करने का बेहद शुक्रिया। जो लोग नए हैं, आप सबका ड्रेस डिजाइनिंग सदफ में वेलकम। मैं इसी तरह आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन, एक नए आइडियाज और एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। मैं आपको नीचे से भी इसकी सफाई चेक करवा देती हूँ, नीचे से बहुत ज्यादा सफाई है, लेस को मैंने छुपा दिया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।